सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री में और बेल का बटन दबाइए मेरे वीडियो को और रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ कि आप कैसे दूध के ऊपर जो है मोटी सी मलाई जो है उसकी परत आप कैसे जमा सकते हैं, उसका परफेक्ट ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ। और ये बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छे से ये जम जाता है, बिल्कुल रोटी के जैसे जो होती है मोटी परत जो जमती है मलाई की, वो मैं बताने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत लोगों को शायद इसका पता नहीं होता है कि इसके ऊपर की जो मलाई होती है वो मोटी कैसे होती है, तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने 1 केजी के आसपास दूध लिया है। ये बिल्कुल गाय का दूध है और इसको आप भैंस का भी दूध, कोई सा भी दूध यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक से, इस ट्रिक से आप किसी भी दूध के ऊपर मलाई जमा सकते हैं, बहुत ही इजीली इसके ऊपर मलाई जम जाता है। तो आपको करना क्या है, मैंने 1 केजी दूध लिया है, आप कितना भी दूध को मलाई जमा सकते हैं। तो ये 1 केजी दूध को आप अच्छे से पहले गैस के ऊपर रख के अच्छे से बॉयल करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही उसमें एक उबाल आता है उस गैस को बंद कर देते हैं। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं इस दूध को बॉयल होने तक का वेट करती हूँ। जब ये हमारे दूध में बॉयल आएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें करना क्या है। तो ये देखिए, हमारा दूध जो है अब बॉयल होने के लिए रेडी हो चुका है। ये बॉयल होने लगेगा तो जब जैसे इसमें उबाल आएगा, उफान आएगा, जैसे इसे ये उबलने लगेगा तो इसे हमें करना क्या है, तो आप क्या करें, गैस को बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत ही बंद कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको गैस बंद नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि गैस को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, और जो गैस जब हमारा ये दूध बॉयल होने लगे, ऊपर की ओर आने लगे, तो उसे हमें तुरंत ये इस टाइप का कलछी, चम्मच, छलनी की सहायता से आप उसको चलाइए। तो क्या होगा, वो दूध फिर बाहर निकलेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, और वो धीरे 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 जो मलाई का जो भी पार्ट होता है वो सब ऊपर आके जम जाएगा। तो आपको ऐसे 30 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, गैस को बंद नहीं करना है, लो फ्लेम पे कंटिन्यू से आपको देखना है। तो ये देखिए, हमारा अब ये दूध में उबाल आने लगा है। तो अब मैं ये जो मेरे हाथ में ये छोटा सा चम्मच है, ये कलछी है, इसकी सहायता से मैं इसे चलाऊंगी। तो बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको ऐसे ही करना है, तभी आपके दूध के ऊपर जो है मलाई बहुत ही ज्यादा मोटी क्वांटिटी में जमेगी, अच्छी मात्रा में जमेगी। तो ये देखिए, हमारा दूध उबलने लगा है, उबल के ऊपर आ रहा है। तो मैं गैस को बिल्कुल कम कर दिया मैंने, और कम कर दिया है तो आप क्या करना, इसके ऊपर जो ये फेन जमने लगता है तो उसे आप जमने नहीं देना, क्योंकि जैसे वो फेन बनने लगेगा तो क्या होगा, दूध उफन करके गिरने के चांसेस होते हैं, वो गिरने लगेगा। तो आपको ऐसे कंटिन्यू हिलाना है 3 से 4 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इस तरह से आपको करना है। तो क्या होगा, जैसे ये 3 से 4 मिनट आप इसको कंटिन्यू ऐसे करिएगा तो इसके ऊपर जो है मलाई जो है वो जम जाएगी। तो 3-4 मिनट मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है और इसको मैंने 3-4 मिनट तक ऐसे ही इसको अच्छे से चलाया है। तो ये देखिए, ऊपर से ये जो फेन जमा है यही है जो लास्ट में जमने के बाद ये बिल्कुल मलाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, गैस को बंद कर देती हूँ, और आपको करना क्या है, आप इसको अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही ये आएगा तो इसको अब हमें फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में आप जैसे रखिएगा तो ये जितने ऊपर किए हैं ये सारे मलाई जो है काफी मोटी मात्रा में, बिल्कुल रोटी के शेप में होता है पतली, जो इतनी कम से कम इतनी मोटी आपकी मलाई ऊपर से जम जाएगी। तो इसको मैं रख देती हूँ, और मैंने पहले से एक जमा करके रखा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पहले से ही इसको अच्छे से जमा करके रखा है, और ये मैंने अभी जिसका जो दूध खुलाया है और इसको मुझे रूम टेम्परेचर पे लाना है, तब तक उसका वेट करना है, उसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो बिल्कुल इस तरह से मलाई जमकर आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी परत है कितनी अच्छी जमी है, ये देखिए कितनी मोटी लेयर है वो जमी है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी
इतनी मोटी लेयर जमी हुई है। तो इस तरह से आपकी जो है ये देखिए इसकी थिकनेस जो है काफी ज्यादा है, ये देखिए इतनी थिक है, ये बहुत ही ज्यादा थिक हुई है। तो काफी मोटी मलाई का परत जो होता है वो जमता है, तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसी तरह से मैंने मलाई जमा किया हुआ है और ये देखिए मेरा, ये मैंने इतनी मलाई जमा करके रखी है सेम यही प्रोसेस से। ये मेरा गाय का दूध है इसलिए इसकी मलाई जो है येलो है। आप इसी तरह से भैंस के दूध का भी मलाई जमा कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से मैंने मलाई जमा करके इतना मलाई जमा किया हुआ है और इसी से मैं घी निकालती हूँ। बिल्कुल इस प्रोसेस से निकल कर जो होता है उसकी जो घी की मात्रा होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी निकलती है। तो आप भी अपने घर में आज ही मलाई जमाने का ये ट्रिक अपने घर पे अपनाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, पसंद आएगा मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन हिट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाइए और घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके।